हेलो एवरीवन, क्लास 10 स्टूडेंट, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 12.3 का, चैप्टर 12 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लगभग आपका चैप्टर एंड हो गया है, काफी बड़ा चैप्टर था, मुझे लग रहा है जहां तक तो अपन एक महीना ले लिया, एक मंथ हो गया कब से उस चैप्टर को करते हुए। तो चैप्टर में अपना रिविजन भी बड़ा अच्छा टाइम लगा, पर रिविजन करना भी जरूरी है। अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो पुराने क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन देखते क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन इज इन फिगर। तो ये अपने पास एक फिगर है, इसमें डिजाइन एरिया दे रखा है, दिख रहा है आपको अंदर वाला, ये होगा जो एरिया है बिटवीन द टू क्वाड्रेंट। क्या बोला उसने, सबको दिखा वो स्क्वायर है पर वास्तव में क्या है, दो क्वाड्रेंट है। कैसे देखो मैं बताता हूँ, दो क्वाड्रेंट कहाँ पर है तो देखो, अलग कलर से बनाते इसको, कलर दिख जाएगा अभी तो। एक क्वाड्रेंट दिख रहा जितने एंगल दिखाएंगे यहाँ पर, नहीं कौन सा इस बार अच्छे से दिखेगा, ये मैंने कलर कर लिया इस बार, ये ये कलर देखा ज़्यादा बंदी रंगोली रंगोली दिवाली पर मैं पढ़ सकूँगा स्कूल में आपके साथ, ये हो गया आपकी रंगोली ठीक। अब एक और क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट दिखा आपको एक तो, अब ऐसे एक और क्वाड्रेंट इस बार दूसरी रंगोली वाला क्वाड्रेंट बनाऊंगा, कौन सा बनाऊँ देखो, या बड़ी कलर ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। तो एक क्वाड्रेंट इधर से देखो, ऊपर से देखोगे तो ये क्वाड्रेंट एक उधर से और एक क्वाड्रेंट इधर से, इन दो आइसक्रीम बोलने इधर और एक इधर। तो इधर से देखोगे तो ये वाला पार्ट और ऊपर से देखोगे तो ये वाला पार्ट, दो क्वाड्रेंट बन, यानी एक क्वाड्रेंट तो यू बन रहा और एक क्वाड्रेंट ऊपर से यू बन रहा, ठीक है। और दोनों को मिला दिया, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को मिला दिया, जब ये दोनों प्लस होंगे तो ये तो आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये आया तो ये आ गया और ये गया तो ये बन गया और फिर ये अलग अलग अलग। अब तो क्लियर हो गया दोनों से, मतलब डायग्राम को प्लस किया, वन डायग्राम प्लस किया तो ये बन गया ठीक। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब अपने से बोला क्या है कि ये एरिया का नंबर कौन सा, बस ये जो बीच में ये एरिया है, ये पत्ती जैसा दिख रहा है आपको, ये एरिया फाइंड करने के बोला है। कैसे फाइंड करेंगे वो दिमाग में लगाओ, देखिए मैं इतना गिवन हूँ, मैं इतना दिमाग लगा बैठे कि क्या करेंगे, मैं इतना गिवन देता हूँ फिर मैं बताऊँ क्या करना है। गिवन क्या दे रखा है, इन क्वाड्रेंट की रेडियस दे दी, कितना रेडियस है 8 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट आर इक्वल 8 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द रेट क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट कितना, यानी जो थीटा है वो हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री ठीक। ये दो चार चीजें हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं आती। अब क्या करना है वो अपन देखते हैं, आगे रेडियस है अपने पास और एंगल है अपने पास ठीक। अब आगे क्या सॉल्व करना है वो अपन देखते हैं, कैसे अपने को ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड कैसे करूँगा, ये एरिया जो है पूरा कैसे फाइंड करूँगा, ये परेशानी की बात है ठीक है। तो देखो अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूँ तो एक एरिया तो ये आ जाए, अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूँ तो ये क्वाड्रेंट का एरिया। अब देखा प्रश्न, अगर मैंने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला तो पहली बार तो ये एरिया निकलेगा पूरा, कौन सा, ये पूरा एरिया निकलेगा एक बार क्वाड्रेंट में, तो ये पूरा जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ तक ठीक क्लियर। कब, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, कौन से कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा तो ठीक है। फिर वापस, अब अगर मैं वापस ऊपर वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, किसका, इस क्वाड्रेंट का, चलिए इस सेक्टर का, तो कौन सा एरिया जाएगा मेरा, ये पूरा वाला, यानी कौन से क्वाड्रेंट का एरिया, सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया, कौन से क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, यानी अगर ये एरिया निकाला तो भी ये एरिया आएगा और साथ में ये एरिया भी आएगा, मेरा समझ रहा है। मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ तो ये एरिया भी आ रहा हो, ये एरिया भी आ रहा है ठीक है। वापस अगर इधर से एरिया निकाल रहा हूँ मैं तो ये एरिया तो आ ही रहा, साथ में ये एरिया भी आ रहा है, कौन सा ये वाला,
तो नीचे से एरिया निकालता हूं तो भी एरिया आ रहा है, और ऊपर से एरिया निकालता हूं तो भी एरिया आ रहा है। तो अब देखना यहां पर पहली बार में ये एरिया एक बार ही आ रहा है, ये एरिया तो एक बार ही आ रहा है। अगर इधर से एरिया निकालता हूं तो ये एरिया भी क्या है, एक बार ही आ रहा है, ठीक है। पर ये जो एरिया है नीचे से निकाल रहे तो भी आ रहा है, ऊपर से निकाल रहे तो भी आ रहा है, यानी ये जो एरिया है जो बीच में ये जो चाहिए अपने को, ये एरिया कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। ये वन टाइम आ रहा है, ये वन टाइम आ रहा है, ये टू टाइम आ रहा है, ये बस में आ रही। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा यहाँ से आ रहा है तो ये एरिया भी आएगा, ये भी आएगा। अगर इधर इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा तो ये एरिया भी आएगा, ये भी एरिया आएगा। तो टोटल ये एरिया टू टाइम आ रहा है, जबकि ये एरिया आपको चाहिए तो कितनी बार चाहिए, एक ही बार चाहिए, कितनी बार चाहिए, एक बार, यानी दो बार में से कितनी बार चाहिए अपने को, एक बार, और एक बार और बचा के, ठीक। अच्छा आप देखो, एक बार का ये एरिया, एक बार का ये एरिया और एक बार का ये एरिया, ये तीनों एरिया भी चाहिए, ये दो बार में से एक बार का एरिया चाहिए, तो एक बार का ये एरिया, एक बार का ये एरिया, एक बार का ये एरिया चाहिए। तो अब इस पूरे को मिलाओ एक बार एक बार एक बार, तो ये पूरा क्या बन गया, और इस पूरे एरिया को मिलाओ ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये पूरा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, पूरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो पूरा एरिया निकाल रहा हूँ उसमें से क्या माइनस कर दो, ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, क्या एरिया माइनस कर दो, स्क्वायर का, यानी ये पूरा स्क्वायर का एक बार वाला एरिया माइनस कर दो तो केवल ये एरिया बच गया था, कौन सा, जो एक बार वाला जरूरी। यानी क्या करेंगे देखना, कभी कभी होता है कि वीडियो क्लासेस के अंदर जो हम पूरी बात सही समझाना चाहते हैं समझ नहीं पाती, तो कैसे डायग्राम वगैरह से बताना पड़ता है, तो अब आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखते क्या है, अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ डिजाइन, ये डिजाइन एरिया, डिजाइन डिजाइन एरिया इक्वल क्या लिखा था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये करा था मैंने पहले, इससे फर्स्ट वाले का, नीचे वाले का, और इसे को ऊपर वाले का, तो एरिया ऑफ सेक्टर नीचे का और ऊपर का, यानी कितनी बार आ रहा है वो, दो बार। इसमें से क्या माइनस करने के बोला मैंने, इस पूरे स्क्वायर का एरिया, यानी माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है आपका, तो वो होता है सिंपल आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई टू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। अब क्वेश्चन में कई साइड ही दे रखी, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी साइड, तो लिखते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये कर दो, थीटा की वैल्यू कितना है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस आर कितना है, रेडियस आर है 8 और होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है, साइड 8 मल्टीप्लाई बाय, ठीक। ये नोट लिए पूरा, चलिए नोट कर लो, वीडियो पॉज करके ये नोट जाओ साइड में नोट कर लो, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोलना है, आगे देखते हैं कुछ कटा तो कर दो, 0 से 0 9 9 9 9 4 36, तो 1/4 1/4 22/7 22/7 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर कितना 64 मल्टीप्लाई बाय 2 और 8 ऐसा 64 और कटा तो काट दो, 4 से कटाइए 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2, तो 11 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 7 माइनस 64 अपॉन कुछ नहीं था 1, मल्टीप्लाई दोनों का, तो 64 में एरिया तो मल्टीप्लाई 11/44 का फोर एरिया 4 11 66 और 4 70, तो ये आ जाएगा 704 अपॉन 7 माइनस 64 अपॉन 1। ऐसे लेना था अपने को लोग ऐसे कैसे, तो देखते हैं ऑनलाइन क्लास में फायदा है कि बोले बिना कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास, 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 7 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 704,
सेवन को डिवाइड करना, सेवन का 60% डिवाइड कर दो, एलसीएम निकाल कर रखो, डायरेक्ट लिखते हैं तो एलसीएम निकाल, सेवन फोर से 28 का एट कैरी किया टू, सेवन सिक्स 42 इंटू 44, तो माइनस का 4 4 8 हो जाएगा। अब जल्दी से माइनस कर देंगे, सेवन तो आ ही रहे हैं, और 704 में से 448 माइनस कर दो, 14 में से 8 गया तो 6 नहीं बचा, गिरी दिया था इसने इसको, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो 256 जाएगा, और माइनस कर दो इसे, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो थोड़ा डिजाइन था वो निकल के आ गया आपके पास 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर टू जो ये अध्याय जो था अपना महाभारत का महाकाव्य था वो खत्म हो गया। अब इसके अगले वीडियो में अपन नए चैप्टर से शुरू होंगे, कौन से चैप्टर शुरू करेंगे वो सस्पेंस रहेगा नेक्स्ट और इस एपिसोड में, ठीक है।